शेयर करके आओ भाई बच्चों, क्लास को शेयर कर दो। शेर हो तुम, शेर लोग शेयर करते हैं और अपने टीचर की केयर करते हैं। देखो हमारे सामने, घर के सामने नान कटाई बिक रही है। शेयर कर दीजिए भाई, क्लास का क्या हुआ, क्लास का क्या हुआ, क्लास चल रही है बेटा, क्लास का होना क्या है, पढ़ाऊंगा क्लास। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। शेयर कर दो बेटा क्लास को, थोड़ा सा शेयर करो। देखिए जब आप ज़्यादा लोग देखते हो तो उससे हमें फ़ायदा होता है, हमारी रेटिंग्स बढ़ती हैं और रेटिंग्स बढ़ने के साथ साथ हमारे लिए बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं, हमारी रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। तो आप लोग समझा करो कि ये सब चीज़ म्यूचुअल होती है, आप इसको क्लास को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। शेयर करो मेरे भैया, करते रहो शेयर, एक बार दबा के शेयर कर दो क्लास को। सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, ओके, करते रहो शेयर, करते रहिए। गुरुजी मेरा PSIR कैसे प्रिपरेशन करें, हेल्प मी। करेंगे हेल्प, क्यों नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल मैं पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा आप लोगों से। नमस्ते अमन, देखिए स्टार्ट द क्लास, इट्स मी माई सेल्फ, आप मुझे तो जानते ही हैं, है ना। अब तो आपकी हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई है, हैं? अब तो आपकी हमारी घरवाली बात है एकदम। नमस्ते बाबू, ठीक। यू आर ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी, और आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिए, SSH10, ये मेरा प्रोमो कोड है, इसका इस्तेमाल करिए आप। ये है टीम बेस्ट एजुकेटर्स की, बेस्ट एजुकेटर, ये बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है आपके पास। आप क्या कर सकते हो, तैयारी को यहाँ से बहुत बढ़िया शानदार बना सकते हो। मयंक झा, लेट क्यों हो गया मैम, मैंने बोला तो था बेटा क्लास 8 बजे होगी, लेट तो नहीं हुआ मैं, मैंने पहले बता दी थी क्लास 8 बजे होगी। स्टूडियो की अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, 7:30 बजे क्लास चलती है यहाँ पे, तो वो 8 बजे क्लास खत्म होते मैं तुरंत मैंने शुरू कर दी, अभी शुरू हुई है एकदम क्लास, ठीक है। ये वो लोग जिन्होंने जो रैंक होल्डर्स हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी यहाँ फोटो बहुत शानदार दिखाई देगी, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। द टोटल रैंक होल्डर्स, जिन लोगों ने अपनी रैंक को सिक्योर किया, ये टोटल रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी रैंक यहाँ लाए, और 170 प्लस से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अनअकैडमी का योगदान रहा है, ठीक है। ऑप्शनल के साथ लेते हैं 28% वैसे मिलता है, 10% रेफरल कोड से, कुल मिलाकर 38% आपको छूट मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज ऑप्शनल के लिए 16 सेक्शनल 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 80 टेस्ट सालाना, 50 प्रीलिम्स के लिए, 30 मेंस के लिए, ठीक है, इस पैसे में आपको मिल जाएंगे। ये हर संडे को होता ही है, आप जानते हो 56 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट्स में, और फिर छूट मिलती है आइकॉनिक प्लस क्लासेस के, ये सभी फीचर्स हैं। ये रहा फीस मॉडल किसका, आइकॉनिक प्लस क्लासेस का। पता नहीं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या क्या, मैं तो समझ नहीं पा रहा इन बच्चों के बारे में, इन्होंने तो मुझे खुद को पजल कर दिया, मुझे खुद को पजल कर दिया इन लोगों ने। अच्छे खासे पढ़ते थे, पता नहीं क्या पढ़ते पढ़ते इन लोगों को नजर सी लग गई, अच्छा वाला पढ़ते थे, पता नहीं क्या नजर इन्हें लगी है, राम ही जाने, ठीक है। ये ऑप्शनल, मैंने बताया था कि ऑप्शनल की यहां खास बात ये है,
ऑप्शनल तो आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और मैं बता दूं कि ऑप्शनल में आपको, आप चाहो तो एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहो तो पर मंथ भी पेमेंट कर सकते हो, और जो भी पेमेंट चाहो तो एक साथ या पर मंथ, जैसे भी आप चाहो। प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो, वहां से भी 10% की छूट ले जाओ, ठीक है। टेस्ट सीरीज ये फ्री है, फ्री वाली में तो कम से कम लॉगिन कर लिया करो भाई। और गोल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। आपको जानकारी है कि हम लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? लॉर्ड लिटन के बारे में। कल वाली क्लास, आप पता नहीं इनको नजर वजर लग गई है कुछ, मैं बता रहा हूँ ना, नज़र लग गई है इन्हें, है ना, और इनको नज़र इतनी खतरनाक लग गई है, ज़बरदस्त, पता नहीं पढ़ना ही नहीं चाहते। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। समझिए जरा, तो लिटन के बारे में हमने कल जो बातें पढ़ी, पहले तो वो समझ लो। लिटन के बारे में हमने पढ़ा था कि लिटन जो है, एक तो इसको ओवन मेरेडिथ कहा जाता है, साहित्य जगत में इसको, साहित्य लिखते थे भाई साहब तो इन्हें साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ कहते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि इसने लंदन से आने वाले 29 चीज़ों पर से टैक्स हटा दिया था, जिसमें सूती वस्त्र मेन थे, ठीक है। अमन देगा दिखाई, थोड़ा सा समझा करो अभी, जैसा उसको एडजस्ट कर लो यार, है ना। नमस्ते नमस्ते। और इसी के काल में अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो एक अकाल आयोग का गठन हुआ, रिचर्ड स्ट्रैची उस अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब सभी लोगों को अन्न देने की जरूरत नहीं है, जो लोग काम कर सकते हैं वो काम करें, जिन लोगों को काम नहीं कर सकते उनको अन्न दीजिए। तो हम बाकी बात पर बात करते हैं, इसके अन्य कार्य क्या हैं। अन्य कार्य, अन्य कार्य समझिए, इसके काल में वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ। वर्नाकुलर का अर्थ होता है मातृभाषा, मातृभाषा अधिनियम। क्या पास होता है? मातृभाषा अधिनियम, ठीक है। ऐसा तो नहीं तुम्हारी डांट लगाने से और भाग गए, और भाग गए हो, ये तो बताओ, डांट लग गई हमें, अब नहीं आते अब, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी के काल में क्या पास हुआ? वर्नाकुलर एक्ट पास होता है। क्या पास होता है? वर्नाकुलर एक्ट पास। वर्नाकुलर एक्ट का संदर्भ क्या था, किस मामले में इसको पास किया गया था? तो जनाब इसका संदर्भ था मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेजेस के जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र पर क्या लगाना दिया? प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या था ऐसे समझिए आप, जो मातृभाषा में समाचार पत्र छपते थे लोकल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस की आप ये समझो कि कौन से समाचार पत्र ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैं आपके सामने इंग्लिश का अखबार पढ़ूं आपको लगेगा कि नहीं, जो लोकल वाले होते हैं ना, वहां ये हुआ वहां ये हुआ, ये ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनसे ज्यादा क्या होता है, इनसे ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जनमानस पे की भावनाओं पर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, इसमें मातृभाषा के बहुत सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं हाँ
हाँ हुआ तो है असर। दिव्या की डांट का तो मुझ पे भी असर हो रहा है, बच्चों पर ही नहीं, इसने मेरे पे मुझको भी डांट लगा दिया भैया, मुझ पे भी असर हो रहा है। देखो डांट का असर हो रहा, बच्चे कम हो गए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत सारे अधिकार दिए, समाचार पत्रों से बॉन्ड भरवाए गए। क्या भरवाए गए? समाचार पत्रों से क्या भरवा लिए जाते हैं? बॉन्ड। किस बात का? कि वो एंटी ब्रिटिश कुछ भी नहीं छापेंगे, एंटी ब्रिटिश नहीं छापेंगे, ये उनसे बॉन्ड भरवाया गया। ठीक है, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश, सोम प्रकाश को कंट्रोल करना था। इसने समाचार पत्रों को पूरी तरीके से बैन कर दिया कि आप भाई साहब एंटी ब्रिटिश, यहां सफोकेशन रहती है ना बेटा, लाइट वगैरह इतनी जल रही होती है तो यहां सफोकेशन हो जाती है। ठीक है, कि आप एंटी ब्रिटिश कुछ नहीं छापेंगे, इस बात के इन लोगों से क्या भरवा दिए जाते हैं? समाचार पत्रों से बॉन्ड भरवाए गए। और एक बात और समझिए, इस अधिनियम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, इस अधिनियम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, ने तो अपना मोड ही चेंज कर लिया। ये मैगजीन रातों रात इंग्लिश की मैगजीन हो गई। नमस्ते जी प्रशांत बाबू, कैसे हो? कि ये जो मैगजीन थी अमृत बाजार पत्रिका, ये रातों रात, प्रशांत क्लास को शेयर कर दो, रातों रात इंग्लिश की मैगजीन बन गई। क्या बन गई? रातों रात इंग्लिश की पत्रिका। इसने क्योंकि इसको पता थी कि मातृभाषा वालों पर ज्यादा कहर टूटेगा, तो इसने अपना मोड ही चेंज कर दिया, बोले आज के बाद में मैम तो मैगजीन इंग्लिश में निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट यह भी निकला कि चूंकि अब आपको जो भी छापना है वो दिखाना है, आपको मातृभाषा के अखबारों से ये कह देगा कि जो भी छापो भी उसको पहले दिखा लो मजिस्ट्रेट साहब को। ठीक है, प्रतिबंध के बाद रिपीट कर दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिया कि भाई साहब आपको दिखाया जाएगा, अखबार में जो छपे वो पहले आपको दिखाया जाए, अगर आपको लगता है कि छपने के लायक है तो आप छपने की परमिशन दे दो, वरना मना कर दो। ठीक है, दूसरा, जितने भी समाचार पत्र थे उनसे बॉन्ड भरवाया गया। क्या भरवाया गया? उनसे बॉन्ड भरवाया जाता है ना, और बॉन्ड किस प्रकार भरवाया गया? कि ये एंटी ब्रिटिश कुछ भी नहीं छापेंगे, ये एंटी ब्रिटिश क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छापेंगे। ठीक है, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सोम प्रकाश जो पत्रिका है, आई थिंक ये ईश्वर चंद विद्यासागर की थी, उसको कंट्रोल करना था।
एक ऐसी पत्रिका हुआ करती थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका तो रातों रात किसकी मैगजीन हो गई, इंग्लिश की मैगजीन की। अब ठीक है, अब चूंकि इनको जो कुछ छापना है वो दिखाना है, अब वो बोल दें ठीक है तो भैया छाप देंगे और नहीं है तो मना कर देंगे, तो इसीलिए ये क्या करते थे, अब खबर छापने को, अखबार समाचार पत्र तो चलाना है तो खबर छापने के लिए इंग्लिश के अखबारों से खबर उधार लेते थे कि यार एक दो खबर हमें भी दे दो, हम भी छाप लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, आर्म्स एक्ट पास हुआ, शस्त्र अधिनियम 1965 क्या पास होता है, आर्म्स एक्ट पास हुआ, क्या पास होता है साहब, आर्म्स एक्ट पास हुआ, क्या पास हुआ, आर्म्स एक्ट। क्या पास होता है, आर्म्स एक्ट पास हुआ, शस्त्र अधिनियम, यानी कि भारतीयों पर, भारतीयों के शस्त्र रखने पर, शस्त्र रखने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया या कंट्रोल कर दिए गए, क्या कर दिए गए, कंट्रोल। आर्म्स एक्ट पास होता है, क्या पास होता है, आर्म्स अधिनियम, शस्त्र अधिनियम पास हुआ, या तो भारतीयों से मनाही कर दी कि भैया तुम किसी प्रकार का शस्त्र रखोगे ही नहीं, और रखोगे तो इतना कड़ा कंट्रोल कर दिया कि वो मतलब पकड़ ही, मतलब उसको रख ही नहीं सकते थे वो। आई बात समझ में कि नहीं आई, आर्म्स एक्ट पास होता है, क्या पास होता है, आर्म्स एक्ट पास हुआ, ठीक है। तो इस आर्म्स एक्ट से ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि भाई या तो आप लोग शस्त्र रखेंगे नहीं, और शस्त्र रखोगे तो आप पर बहुत कड़ा क्या कर दिया जाएगा, नियंत्रण कर दिया जाएगा आप पे, ठीक है, ओके। महारानी विक्टोरिया, हाँ जी, तो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देनी थी, किसकी उपाधि,
केसर है, हिंद की क्या देनी थी? उपाधि। अब केसर है हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में लगाया गया एक दरबार। क्या लगाया गया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसका आयोजन होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क्या किया गया साहब? दिल्ली दरबार का आयोजन। अब आप एक बात देखो, देश में पड़ा हुआ अकाल, लोग मर रहे हैं भूख से, और ये भाई साहब केवल ये कहने के लिए कि अरे आप तो केसर हिंद हैं, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने? 2 करोड़। अंदर तक आत्मा झंझोर दी राष्ट्रवादी लोगों की कि यार ये कैसे आदमी है, इनके अंदर कोई इमोशन, कोई दया धर्म जैसी कोई चीज है कि नहीं। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, महारानी को केसर हिंद की क्या दी गई? उपाधि दी गई। और मैं बता दूं कि यही वो दौर था जब जयपुर को पिंक करवाया गया। जयपुर क्या करवाया गया? पिंक, राजा राम सिंह के द्वारा। इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी। अच्छा एक बात हो, तुम्हें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, क्लास को शेयर करो, दो दो चार चार बच्चों को लेकर आओ, दो दो चार चार बच्चों को लाओ खींच के। आप लोगों को तो इतनी लगन होनी चाहिए कि व्हाट्सएप का स्टेटस लगा देना चाहिए। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं मतलब इन चीजों को कहने से बचना चाहता हूं। आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगी कि इतिहास को अभी एक स्लाइड लगा के लाऊं ना, मैं ऐसे तोते की तरह पढ़ाऊं, एक डंडा ले लूं उसी से पढ़ाऊं ऐसे, ये देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है। अभी आप लोग 15 की जगह 150 हो जाओगे, जबकि मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए। ये मतलब ये मत कहना कि सर आप ये तो अपने बारे में बता रहे हो, बेटा ये इस तरीके से पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट डेवलप करना पड़ता, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। हाँ दिव्या सही बता रहा हूँ ना, आगे मैं ये को स्लाइड सी लाता ना लगा के, 2-4 फोटो लगाता, अब फोटो से सवाल तो आता नहीं। ये मैंने देखी है बच्चों की सोच, 2-4 फोटो लगे हों, तड़क भड़क से लगा के लाऊं फोटो, मना मजा आता है, उस फोटो से सवाल नहीं आता ना, फोटो से सवाल थोड़ी आता है ना, फोटो से तैयारी होती, तैयारी कंटेंट से होती है, है ना। मजा तो आता, जिसमें मजा आएगा उससे सेलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो यही है, पता नहीं इस बच्चे ऐसे क्यों सोचते हैं। और मैंने क्या बताया कि हमें तो मोटिवेशन मिलता, बस आप ज्यादा हो जाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो फिर भी दिल्ली। अच्छा एक सवाल आया था एक ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में कि वो कौन था जो प्रथम दिल्ली दरबार में खादी पहनकर शामिल हुआ था, वो कौन था जो दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, खादी पहनकर शामिल हुआ था? गणेश जोशी। कौन? गणेश जोशी दिल्ली दरबार में खादी पहनकर क्या हुए थे? खादी पहनकर शामिल। और मैं आपको एक बात बता दूं, गणेश जोशी कौन है पहले तो ये समझिए, गणेश जोशी कौन है? गणेश जोशी गोपाल कृष्ण गोखले जी के ससुर हैं। ये इस दिल्ली दरबार में खादी पहनकर शामिल हुए थे। क्या पहनकर शामिल हुए थे? खादी पहनकर। तो ये प्रश्न पूछा था एक बार एक ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में कि वो कौन था जो खादी पहनकर शामिल हुआ। नहीं, खादी वस्त्रों की होली तो जलाई है, खादी वस्त्रों की होली थोड़ी जलाएंगे बेटा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। खादी वस्त्रों की होली जला लोगे तो कैसा तुम्हारा राष्ट्रवाद, है ना।
नहीं समझ में आई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। खादी वस्त्र तो हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है, खादी तो आज भी देख लो, खादी पे तो कोई जाना नहीं चाहता। खादी आश्रम देखो, मैं तो कभी देखा नहीं कोई यंग एज का आदमी। हालांकि आजकल चूंकि खादी में अलग अलग बहुत अच्छी वैरायटी आ गई है, खादी कपड़े पहनने से बड़ा सुंदर लगता है इंसान। हमारे तो घर पे चर्चा चल रही थी इस बात की कि खादी में ऐसे ऐसे रंग हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप लोग जब कभी, क्योंकि खादी थोड़ा महंगा है, गांधी जी से यही बात कह दी थी एक बार अधिवेशन में कि गांधी जी आप कह तो रहे हो, विजयवाड़ा की बात है, विजयवाड़ा में अधिवेशन चल रहा था, किसी ने कह दिया गांधी से, गांधी जी आप खादी को प्रमोट कर रहे हो लेकिन खादी इतनी महंगी है, इसको पहनेंगे कैसे ये बताइए आप, बहुत महंगी है खादी। तो गांधी जी ने उसी दिन से कहा कि भैया फिर जितनी जरूरत है उतनी पहनो, और खुद ने भी लंगोट धारण कर लिया था, है ना। अच्छा, गलती से लिख गया था, ओके। तो गणेश जोशी क्या पहनकर शामिल हुए थे, खादी पहनकर शामिल हुए थे इस दिल्ली दरबार में जो 1878 में लगा। इसे प्रथम दिल्ली दरबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रथम दिल्ली दरबार की संज्ञा इसको दी जाती है। करिए नोट, जल्दी नोट करिए। अरे कोई बात नहीं प्रशांत, कोई समस्या नहीं है, करो नोट जल्दी। हो गया नोट? ठीक जी, चलिए नोट हो गया। लॉर्ड लिटन भारतीयों को सिविल सेवा में नहीं चाहता था। इसने पूरी कोशिश की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पंगा हो सके। इसने पूरी कोशिश की कि भारतीयों को तो कोई अधिकार ही नहीं देना। ये ऐसा मतलब बेवकूफ किस्म का आदमी था, ठीक है। भारतीयों को सिविल सेवा में नहीं चाहता था, और इसने ऐसी बढ़िया बढ़िया सलाह दी। जैसे क्या सलाह दी? इसने कहा कि जो भी भारतीय सिविल सेवा में हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, जब आप सिविल सेवाओं की बात करते हो, तो एक तो सिविल सेवा सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी। सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? चीन में प्रारंभ हुई थी। कहां हुई थी? सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। भारत में लॉर्ड कार्नवालिस शुरू करता है, भारत में कौन शुरू करता है? लॉर्ड कार्नवालिस। कौन शुरू करता है? लॉर्ड कार्नवालिस। सबसे पहले
सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर बॉम्बे कैडर से थे। कैडर होते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स के क्या होते हैं, कैडर, ठीक है। तो बॉम्बे कैडर से थे, अपने सेवा काल पूरा किया। सबसे पहले जो बर्खास्त हुए वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, इन फैक्ट्स को थोड़ा बेटा मेमोराइज कर लेना, ये मेमोराइज करने वाले फैक्ट हैं। बात तो कॉन्सेप्ट की होती है मेन, पर फैक्ट भी जरूरी हैं, है ना। फैक्ट भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा कि जो भारतीय सेवा कि इसने कहा कि जो भी भारतीय सिविल सेवा में है जो भारतीय सिविल सेवा में है उन्हें मुआवजा देकर उनकी सेवा समाप्त करो। क्या करो, उनकी सेवा समाप्त। लंदन की सरकार बोली कि पागल वागल हो गए हो क्या तुम, है ना, तुम क्या हो गए हो, पागल वागल हो गए हो कि जो लोग सिविल, उनने कहा कि जो सिविल सेवा में है ना उनको पैसा दो, उनसे कह दो कि अब तुम घर जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है। अच्छा, उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसने दूसरी सलाह क्या दी, सलाहकार ये बहुत बड़ा था। ठीक है, दूसरा दी इसने कि एक क्लोज्ड नेटिव सर्विस बनाई जाए, मतलब एक इनके अर्थात भारतीयों के लिए, अर्थात भारतीयों के लिए, हमारे साथ नहीं अलग से सिविल सेवा बनाओ, एक अलग सिविल सेवा। ये जब दोनों ही बातें इसकी रिजेक्ट हो गई, ना तो बात ये मानी गई और ना तो बात ये मानी गई, ना तो ऊपर वाली बात मानी गई ना नीचे वाली। जब इसकी कोई बात नहीं मानी गई, जब इसकी कोई भी बात नहीं मानी गई तब इसने कहा कि एक बात तो माननी पड़ेगी। तब इसने कहा कि भारतीयों को रोकने के लिए सिविल सेवा की अधिकतम उम्र 21 से घटाओ 19 कर दो। क्या करो, 21 से घटाकर क्या कर दो, 19 कर दो। और 19 ही हाँ, ऐसा लगता कि ये फिर एक विद्रोह चाहता था। बात तुम्हारी बिल्कुल जायज है, ये अगर और दिन रहता ना तो यहां पंगा हो जाता, जैसे इसके काम है ना। तो अगर ये कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो यहाँ इतना भयंकर ड्रामा हो सकता था कि
फिर से यहाँ से फिर से तंबू फटवा देता है इनका। गुड इवनिंग जी सब्बू, क्या हाल हैं? कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, तो इसी के काल में ध्यान रखना कि किस वायसराय के काल में उम्र 21 से घटाकर 19 हुई? लॉर्ड लिटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में उम्र कितनी करी गई? 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। ठीक है, नोट करिए, जल्दी नोट करिए, नोट करो बाबू जल्दी। सर जानकर सिर्फ नाम के लिए किया था कि भारतीयों को यूपीएससी के लिए। हाँ भाई, सीधी सी बात है कि पेपर तो होता था लंदन में। अब 19 साल मैक्सिमम उम्र कर दी तो कैसे तैयारी होगी, कैसे जाएगा? तो रोकना ही चाहता था कि किसी प्रकार से सिविल सर्विस में से भारतीयों को रोका जाए। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय चल रहा है और राष्ट्रवाद के उदय में हम लॉर्ड लिटन की नीतियां देख रहे हैं। बस अब हम कुछ समय बाद कांग्रेस में मूव ही करने वाले हैं। हाउ डू यू डू सर? आई एम फाइन एंड यू ब्रो? नॉट इट? आप कैसे हो? सभी लोगों ने नोट कर लिया? बनर्जी हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए, इसने क्या करा? अच्छा एक बात और होता है ना, जो बहुत ज्यादा तेज बनने की कोशिश करता है वो अपनी मौत मारा जाता है कई बार, है ना? दो हजार इक्कीस का रिजल्ट कहां आया बेटा? अक्टूबर में पेपर, 20 दिन में रिजल्ट कैसे आ जाएगा बाबू? हाँ, तो मतलब बात यह है कि जो बहुत तेज आदमी होता है ना, कई बार वो इतनी भयंकर मिस्टेक कर देता आप जो उसके लिए खुद के लिए घातक होती है। यही इसने किया। इसके काल में ही द्वितीय आंगल अफगान युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया? द्वितीय आंगल अफगान युद्ध, दैट इज सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। क्या लड़ा गया? सेकंड एंग्लो अफगान वॉर लड़ा गया। अच्छा अच्छा पता नहीं हम, मुझे क्यों नहीं पता चली, मुझे आप ही से पता चल रही है। मैं अच्छा हो सकता है आज ना मैं सुबह से स्टूडियो में हूं, मैं निकला ही नहीं यहां से बाहर, खाना पीना भी यहीं खाया है, खाना मंगा लिया था घर से, तो हो सकता। हाँ, मेंस की प्रिपरेशन में लगेंगे बच्चे अब। ठीक है, और गंडमक की संधि होती है। क्या होती है साहब? गंडमक की संधि।
द ट्रीटी ऑफ गंडमक। इसी बीच ध्यान दीजिएगा, इसी बीच लंदन में सरकार बदल जाती है। क्या बदल? इसकी इस बेवकूफी की वजह से ये रडार पर आ गया था, है ना। हर बार की तरह अफगानिस्तान से लड़ने में अंग्रेजों को इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरा क्या हुआ, इसी बीच लंदन में सरकार बदल जाती है, और कंजर्वेटिव दल की सरकार आ जाती है। क्या आ जाती है साहब? कंजर्वेटिव दल की सरकार आ जाती है। ओह, कंजर्वेटिव नहीं, लेबर दल की सरकार आ जाती है। कंजर्वेटिव की तो हट जाती है। और लेबर दल की सरकार आ जाती है, जिसे उदारवादी दल भी कहते हैं। कौन से दल की सरकार आ जाती है? उदारवादी दल की। एक तो इस आदमी ने अफगानिस्तान से युद्ध लड़ लिया, ऊपर से चूंकि ये अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा, उदारवादी दल जो उदारवादी लोग हैं वे अच्छे लोग हैं, है ना। वे भारत के बारे में अच्छा सोचते थे, थोड़ा इनके मुकाबले वो सोचते थे कि भाई मानवता सबसे ऊपर है, आप मानव को तरजीह मत दो, मानव तो फिर काले गोरे हो जाएंगे, ये काले हैं हम गोरे हैं। मानवता एक ऐसी चीज है, चाहे काला हो या गोरा, उसमें कॉमन होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, पीएम बने ग्लैडस्टीन, वहां प्रधानमंत्री क्या बने, ग्लैडस्टीन क्या बने, ग्लैडस्टीन साहब पीएम बनते हैं। एक तो ये बात, ग्लैडस्टीन पीएम बने, और जैसे ही वो पीएम बने उन्होंने कहा कि मिस्टर लिटन साहब आप वापस आ जाओ, आपने बहुत तूफान मचा लिया और बहुत जल्दी तुम वैसे भी खराब ही काम कर रहे हो, और एक तो तुम्हारे काम खराब, दूसरी बात ये कि हमें पूरी उम्मीद है कि तुम उड़ा दोगे हमें यहां से, बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। ठीक है, और वायसराय के रूप में लिटन साहब से कहा कि बैक टू द होम, लिटन के स्थान पर, रिपन की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति होती है? रिपन की नियुक्ति। लॉर्ड लिटन की जगह वायसराय कौन बने? लॉर्ड लिटन की जगह वायसराय बने लॉर्ड रिपन। आज 9:45 पर जो क्लास है एप्लीकेशन पर, उसे लेना मत भूलना, है ना। वो क्लास मैं आज उसमें मगध का उदय पढ़ाऊंगा, बिम्बिसार पढ़ाऊंगा, आजाद शत्रु पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो लिटन के स्थान पर किसकी नियुक्ति होती है? रिपन की नियुक्ति होती है। और नए वायसराय कौन बने? लॉर्ड लिटन के स्थान पर लॉर्ड रिपन। कौन बने? लॉर्ड लिटन के स्थान पर लॉर्ड रिपन क्या बनते हैं? नए वायसराय बने। हेडिंग डालिए लॉर्ड रिपन। विशाल सिंह, अच्छा आप सोवरन सिंह हो, सोवरन बाबू पता नहीं आपको ग्रुप में ऐड कर रखा, विनायक इन्हें ग्रुप में ऐड किया है कि नहीं किया?
ज्योग्राफी की क्लास विनायक, सच्ची बताऊं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दीपावली के बाद शुरू करूंगा, है ना, दीपावली के बाद शुरू करूंगा मैं ज्योग्राफी की क्लास, सच्चाई तो ये है, है ना। सॉवरन आप उस ग्रुप में ऐड हो क्या जिस ग्रुप में क्लास का नोटिफिकेशन मैं बताता रहता हूँ? बेटा टाइमिंग देखो, आगे पीछे हो सकती है, अब हम लोग भी इंसान ही है ना, एक बार आगे पीछे मैं कर देता हूँ टाइमिंग। ये कौन है हमारे चाहने वाले जो एक डिसलाइक मार गए? ये रियली हमारे चाहने वाले हैं, है ना। अगर सॉवरन ऐड नहीं है उस ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, तो विनायक उनको ऐड करवा दो। ठीक है भाई, किसकी नियुक्ति हुई? लिटन के स्थान पर लॉर्ड रिपन की नियुक्ति होती है। डालिए हेडिंग लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। हाँ, दिवाली की तैयारी भी करनी चाहिए ना, दिवाली फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, दीपावली बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है मुझे दीपावली। करवाते हैं बेटा विनायक, ये जो बच्चे जो कर रहे हैं ऐड करने के लिए, उनको बता दो उनको कैसे ऐड होना है। अच्छा फोन खराब हो गया था, विनायक बता देंगे अभी कैसे ऐड होना है। चलें जी, डालिए हेडिंग, नोट कर चुके इसको, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन हेडिंग डालिए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन देखिए जरा, जब ये भारत पहुंचे भाई साहब, तो इनसे पूछा गया कि क्या तुम भी उतने ही निकम्मे किस्म के व्यक्ति हो है? जैसे कि पहले वाले थे। पहले वाले कौन? लिटन साहब, क्या तुम भी वैसे ही हो क्या? बोले यार ये तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। इसने कहा कि मेरे बारे में बात मेरे कामों से करना, मेरी जो चर्चा हो जब मैं करूं काम, तब मेरे बारे में सोचना कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। ठीक है, विनायक कहां चले गए तुम? ये बच्चे जो पूछ रहे हैं ऐड करने के लिए, इनको जवाब दे दो भाई। हाँ लिटन साहब, देखिए जी, इसे ग्लैडस्टीन युग का सच्चा उदारवादी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? दिख रही है तुम्हारी मैसेज, दिख रही है, दिख रही है विनायक। इसे क्या कहते हैं? ग्लैडस्टीन युग का क्या कहते हैं? सच्चा उदारवादी। अब देखिए, इसकी एक पुस्तक है। अब इसकी पुस्तक से तुम अंदाजा लगाइए कि ये कैसा आदमी होगा। इसकी पुस्तक है, नाम है पुस्तक का दी ड्यूटी ऑफ एज, मतलब युग के कर्तव्य। जो आदमी कर्तव्य की बात करे, समझ लो
मैंने कर्तव्य गलत लिख दिया। युग के कर्तव्य, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ड्यूटी ऑफ एज। कौन सी है किताब? ड्यूटी ऑफ एज, युग के कर्तव्य, इसकी पुस्तक का नाम है। देखिए, इसने आते ही क्या किया, इसने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कर दिया? समाप्त घोषित, कि आज के बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं है। रिपन ने क्या कहा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं होगा। हो सकता है कोई एरर आ गई हो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग साहब, ठीक है। इसने नगर पालिकाओं का गठन किया। किसका गठन किया? नगर पालिकाओं का गठन। चूंकि नगर पालिकाओं का गठन किया, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। मतलब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या कहते हैं इसे? हाँ जी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद कर दिया इसने। इसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो प्रेस से छुपाने की जरूरत है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मजा नहीं आया पिंक कलर से लिख के। पहली नगर पालिका कहां बनी? मद्रास में। कहां बनी है साहब? मद्रास में। इसके काल में ही जनगणना रेगुलर हो गई थी। जनगणना जो होती थी, जनगणना गिनती क्या हो गई? रेगुलर। क्या हो गई थी? रेगुलर हो गई थी। रेगुलर सेंसस जारी होने लगा। इसके बाद इसने ही सेंसस को क्या करवाया था? रेगुलर सेंसस। और ध्यान रखना, सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। इसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किस
किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। और हर 10 साल में, हर 10 साल में रेगुलर सेंसस कराने वाला व्यक्ति कौन है? हर 10 साल में रेगुलर सेंसस कराने वाला व्यक्ति लॉर्ड रिपन है। कौन है साहब? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। ध्यान करिए, मैंने नेशनलिज्म के उदय में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट को अलग से जगह दी थी। ठीक है, क्या दी थी? अलग से जगह दी थी। इल्बर्ट बिल विवाद इसी के काल की घटना है। क्या है साहब? इसी के काल की घटना है। अब हमारे लिए टॉपिक बनता है इल्बर्ट बिल विवाद क्या है और कैसे ये राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, डालिए हेडिंग इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था और कैसे ये राष्ट्रवाद के उदय में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, एक बार क्लास को शेयर कर देते तो अच्छा होता। क्लास को शेयर कर दो भैया। इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट, जल्दी करिए नोट, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट पढ़ाना है। Noted. चलिए, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट। तो बात तो एक बिल्कुल क्लियर है कि सर ये कोई ना कोई बिल था जिसकी वजह से विवाद हुआ। इसे इल्बर्ट बिल विधेयक, इल्बर्ट विधेयक विवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्बर्ट विधेयक विवाद। बिल माने विधेयक ना। अब देखिए साहब, देखिए चूंकि इस बिल का मसौदा, चूंकि इस बिल का मसौदा लॉर्ड इल्बर्ट ने तैयार किया था, Thank you.
अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इल्बर्ट बिल, क्योंकि इस बिल का मसौदा तैयार, मसौदा मतलब ड्राफ्ट, कि इस बिल में क्या होगा। अब प्रश्न यही उठता है कि सर क्या होगा, मतलब क्या है, बताओ कि इस बिल में था क्या जो ये इतना बड़ा मामला बन गया। इस बिल में क्या प्रावधान था? इस बिल के तहत अब भारतीय जजों को, किनको? भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे भी सुनने का अधिकार दे दिया था। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अंग्रेज सोचते थे कि हम तो ग्रेट आदमी हैं, हम क्या हैं, ग्रेट आदमी, वी द वाइट और ये द ब्लैक, ब्लैकीज, ये हमारे मुकदमे कैसे सुन सकते हैं भैया। तो ये इनको तो दंभ था, वाइट मैन बर्डन थ्योरी के दंभ में ये चूर थे। मैंने आपको बताया है कि इनको इस चीज का बड़ा घमंड था कि ये अंग्रेज हैं, गोरे हैं। इनको इस चीज का बड़ा घमंड था कि हम क्या हैं, हम गोरे हैं। छुट्टी होगी दिवाली में भाई, सामने रोड है तो आ जाती है ना आवाज, बाइक वालों को थोड़ी रोक सकते हैं कि भैया हमारा क्लास चल रही है, आना मत इधर से, आते रहते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, तो ये हुए इसके प्रावधान। अब अंग्रेज हो गए बहुत नाराज कि यार ये तो बेइज्जती हो रही है हमारी, और बेइज्जती करा रहा है ये इल्बर्ट, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये बात भी सही है, नहीं ठीक है, हम तो हैं, हमें अपने काले होने से हमें ऐतराज ही नहीं है, हमें थोड़ी ना ऐतराज है। अब जैसे जिस जलवायु में हम हैं वहाँ ठीक है, ऐसे ही लोग होते हैं वहाँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, इस बिल के विरोध में भाई साहब अंग्रेजों ने एक संगठन बना लिया, संगठन बनाकर रिपन का विरोध किया।
क्या किया साहब? रिपन का क्या किया? रिपन का किया इन्होंने विरोध। अब इस घटना का परिणाम और प्रभाव दोनों ही चीज हुई। इस घटना का परिणाम भी हुआ और इस घटना का प्रभाव भी हुआ। इस घटना का परिणाम क्या निकला? इस घटना का क्या निकला, परिणाम क्या निकला? सर आप तो गोरे हो। उनके आगे तो काले ही ना, चाहे कितने गोरे हो जाए इंडियन, अंग्रेज के आगे तो अंग्रेज के आगे तो काले मिलेंगे ना। देखिए परिणाम क्या हुआ साहब, इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत को रिपन से कहनी पड़ी भाई साहब उल्टे आ जाओ आप, है ना। क्या कहना पड़ो? रिपन मतलब मयंक भैया, मुझे गुस्सा आ जाएगा भाई साहब। लॉर्ड रिपन पूरा पढ़ा दिया भाई साहब, मुझे रिपन मतलब, अरे रिपन वायसराय है, रिपन क्या है, रिपन वायसराय है। देखिए परिणाम क्या निकला, जो रिपन है, रिपन को क्या भेज दिया गया, वापस लंदन भेज दिया जाता है। रिपन को क्या भेज दिया गया, वापस लंदन। हाँ ये बिल्कुल काम तो पिटने के ही करें, ये पिटेगा, पूरा रिपन पढ़ा दिया, पूछ रहे थे रिपन कौन है भाई साहब ये बताओ। अरे मयंक, एक तो तेरी फोटो मास्क लगा के आती है, अगर तू कहीं रस्ते में मिल भी जाए ना मेरे भाई मुझे, तो मुझे पता ना चले कि तू साइड में से निकल गया। हाँ मुर्गा बनाओ, हद हो गई अब तो। ठीक है, रिपन को क्या भेजा गया, वापस लंदन। हाँ सामने होता तो मैं से मुर्गा बना देता। रिपन को क्या भेजा गया, वापस लंदन। अच्छा प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव ये निकला कि ये बात तुरंत समझ में आ गई कि भाई साहब संगठन कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप। अगर संगठन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर संगठन बना के विरोध किया जाए तो अंग्रेजों को भी झुकाया जा सकता है, संगठन की भूमिका समझ में आई। क्या समझ में आई, संगठन की भूमिका भारतीयों को समझ आई। समझ गए क्या आई जी? माफी दे दी, जाओ जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, डोंट टेक इट सीरियसली, वी आर जस्ट जोकिंग। ठीक है भैया, इल्बर्ट बिल विवाद समझ गए नहीं समझ गए? पूरा इल्बर्ट बिल विवाद समझ में आया कि नहीं बताओ? इल्बर्ट बिल विवाद समझ में आया कि नहीं भैया, कहो। बोलो इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट समझ में आया कि नहीं, कि क्या था इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट? इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट से क्या हुआ कि संगठन की भूमिका समझ में आ गई थी। ठीक है चलें आगे। नोट कर चुके? चलो अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगला टॉपिक पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं, क्योंकि टॉपिक लंबा है, फिर वो अब वो रह जाएगा, फिर छोड़ देते हैं क्लास। अब सही कह रहे हो, मैंने टॉपिक वो जो है ना कांग्रेस की तरफ बढ़ते कदम, वो टॉपिक बड़ा है ना, और लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारतीयों के बाद क्या लिखा है,
भारतीयों को समझ में आ गई संगठन की भूमिका कि कितना संगठन कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर संगठन बना के विरोध करो तो अच्छा। अब क्लास है भाई, ध्यान रखना 9:45 पे, किस पर है 9:45 पे क्लास है। अभी मतलब 15 हो गए तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे खाना पीना खा लो तुम, है ना, जो खा पी सकते हो, सही, आधे घंटे बाद क्लास शुरू होगी और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। क्या आने वाला है, पढ़ने में मज़ा आने वाला है, इतने बढ़िया बढ़िया कहानियाँ कि तुम सुनकर खुश हो जाएगा तुम्हारा दिल, सवाल तो वहाँ से आता ही आता है, तो बहुत बढ़िया है, है ना। क्लास 9:45 वाली क्लास को शेयर करके आना और मिस करना मत भूलना, 9:45 पर शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, नमस्कार, मिलते हैं एप्लीकेशन पे हम लोग।